जगसरी मोहल्ला पूर्णिमा वार लोगों वार पंजाबी का बड़ा प्रसिद्ध फॉर्म ऑफ पोएट्री है, कामरूप है। महाराज जी ने ट्रेडिशनल वार की बजाय अध्यात्मिक रंग की वार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की दर्ज की हैं। कुल 22 वार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज भी दर्ज हैं और महाराज ने जिहड़ियां बाणियां वार दे रूप में दर्ज कीतियां हैं तो जिहड़े भी सतगुरु जी ने लिखियां ने आरंभ में उन्होंने नाम आता है, महला उन्होंने नाम में आता है। उन्होंने मतलब यह होता है कि पौड़ियां उन्होंने रचना है ते पौड़ियों तो पहला सलोक जड़े ने होर गुरु साहब के भी नाल दर्ज किए हुए मिलते हैं। पर इस वार विच पौड़ियां भी गुरु अर्जन देव जी ने लिखिया हुई हैं और सलोक भी उन्होंने ही लिखे हुए हैं। हेडिंग विच एक गल स्पष्ट की गई है कि वार सलोकों नाल क्योंकि ट्रडिशनल वार जी है पौड़ियां होती सी पौड़ियों में होती सी। महाराज जी ने एक नवा एक्सपैरिमेंट किया है कि सलोक भी नाल पौड़ियों में दर्ज किए। एक ओंकार क्योंकि ये पहला श्लोक से पहली पौड़ी है इस करके सतगुरु जी ने मंगलाचरण भी किया है। एक ओंकार वो वाहिगुरु एक है, सतगुर प्रसाद सतगुरु की कृपा द्वारा प्रसाद कृपा बख्शिश मेहर मेह द्वारा उस अकाल पुरख की प्राप्ति हो सकती है। तो श्लोक महाराज जी फरमा रहे हैं आग पूरन वो जो वाहिगुरु है परमात्मा जो सुपर शक्ति है पातशाह जी कह रहे हैं कि आग दे जो कि संसार बनया है संसार के आरंभ में उस वेले भी उस सब पूर्ण सी वो परफेक्ट सी उहदी ही शक्ति काम कर रही सी जो कि संसार बनया है। मद पूर्ण ते जो विचार दा समा चल रहा है उहदे विच भी उस अकाल पुरख की शक्ति ही संपूर्ण है। बाकी सब चीजा अधूरिया हैं संपूर्ण से पूर्ण अंत पूर्ण जो इस संसार का अंत होएगा इस सृष्टि खत्म होएगी। महाराज जी कहते हैं कि उस वेले ओ पूर्ण वाहिगुरु परमेश्वर परमेश्वर वह ही संपूर्ण होएगा। बाकी सब चीजा खत्म हो जाएंगी वो भी हो हमेशा रहने वाली। सिमरंत संत उस असीम शक्ति उस सच्ची शक्ति उस सदीवी तौर पर रहने वाली शक्ति अकाल पुरख के जो संत हैं सेवक हैं वह सिमरन करते हैं। सिमरंत संत किस अकाल पुरख का सरबत रमणन सरबत जो सब दे विच सारे कला सारे ब्रह्मांड विच रम रहा है रहा होया है। महाराज कहते हैं कि संत पुरुष गुरमुख पुरुष उसका सिमरन कर रहे वो अकाल पुरख ही ने नानक जी कह रहे हैं नानक अघनासन अघनासन जो पापा का नाश करे साढ़े अपराधा बख्शन वाला साढ़े पापा का नाश करने वाला अघनासन जगदीश हो रहे ओ जगदीश जग का ईश जग का मालक जग का स्वामी ओ प्रभु ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਤਪਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤਾਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ
एकने सुनने सुनामनो। ओ प्रभु सब शक्तियों का मालिक है, देखने देखने वाला भी है, की हो रहा संसार से सब कुछ देख रहे हैं, वो सुनता भी है, असं अरदासा करते हैं वो सुनता भी है, वेखन का काम भी वो को है, सुनने का काम भी वो को है, सुनामनो वो अपने हुक्म देता है, सुनाता है, जिस तरह के संसार की कार करती है। तुम्हारे जी कहते हैं कि उस अकाल पुरख को जरा सब शक्तियों का मालिक है, मन मैं तेरी सच, उस सच्चे वाहिगुरु मन के दृढ़ कर लो, सा लो, पक्का कर लो कि तुहाडे मन अंदर तुहाडे हिरदे अंदर उसका निवास हो जाए। पूरे रहो सर पत्र में, महाराज जी कहते हैं कि वो वाहिगुरु सब दे विच हर जीव दे विच निके तो निके जीव दे विच सृष्टि दे विच पत्तियां दे विच फुल्लां दे विच सब पत्र में वो वस रहा है, पूरी तरह वस रहा है। नानक हर रंग राचे, महाराज जी कहते हैं कि हरि वाहिगुरु पूरे रंग दे नाल सब चीज विच रचिया हुआ है, तू भी जीव ओहदे विच रच जा, ओहदे प्रेम दे विच अपने आप नूं रंग। श्लोक नूं पौड़ी दे विच होर सिंपल भाषा विच व्याख्या कीती है, इस वार दे विच हुण पौड़ी शुरू हो रही है। पौड़ी हर एक निरंजन गाई है, निरंजन वो चीज है जिसे ते माया का असर ना हो, मतलब वही मुकाबला हो। हर एक निरंजन गाई है, एक हरि नु प्रभु नु जो माया के असर तो रहित है, उसका कीर्तन करिए, उसे गाइए, उसका सिमरन करिए। और याद रखिए, सब अंतर सोई, सब के अंदर वो वाहिगुरु वसिया हुआ है, वो ही है पूरी जोत हर थां ते। करण करण समरथ प्रभु, वो करण कारण है, सारे संसार का कारण भी वो है, उन्हें ही संसार बनाया है, कोई इस चला रहा है। समरथ सब शक्तियां की मालिक, सब शक्तियां का मालिक है वो प्रभु, जो करे सो होई। संसार में कोई कुछ होता है जो वो करता है, जो वो नहीं चाहता वो नहीं हो सकता। खिन मैं थापे ओ थापदा, महाराज जी कहते हैं कि ओदी शक्ति कहो जी है, एक छिन विच चीजा बना लेता है, थाप देता है, और एक छिन जे वो चाहे तो सब नूं खत्म भी कर सकता है। थापन ते उथापन का कार्य शक्ति पूरे हाथ में, किस बिन नहीं कोई, उदे बिना होर कोई शक्ति नहीं, उदे बिना होर कोई भी इस संसार का स्वामी नहीं, वो सब कुछ है। खंड ब्रह्मांड पताल दी, धरती के जिन्ने भी हिस्से हैं, जिन्हें भी असी देश बना रहे हैं, कॉन्टीनेंट्स बना रहे हैं, खंड ब्रह्मांड सारा यूनिवर्स, सारे यूनिवर्स विच पाताल जो हेठला संसार है, इस धरती को पताल कहते हैं। दीप जितने भी टापू हैं, समुद्र के जो धरती के दीप बने हुए हैं, महाराज जी कहते हैं हर थां दे उत्ते रविया सब लोई, लोई लोकां दे विच संसार के हर हिस्से विच वो वसिया होया है, वो रविया है। जिससे आप बुझाए सो बुझसी, प्रभु दियां इतनियां असीम शक्तियां हन, पर इन्हां दी समझ को सिर होती है जिन्हां वो आप समझा दिंदा है, इन्हां ने कृपा करता है, बख्शिश करता है, वो प्रभु दी शक्तियां समझ के वो दे नाल जुड़ जाते हैं।
जिससे आप बुझाए सो बुझे सी निर्मल जन सोई ओ जन ओ सेवक ओ जीव निर्मल हो जाते ने मैं थोड़ा हो जाते ने उन्हों का जीवन सफल हो जाता है वो शहर में आ जाते ने वो सतगुरु अकाल पुरख के चरणों में जुड़ के वो सिमरन में लग जाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। जय श्री फिफ्थ गुरु और विच लॉर्ड द क्रिएटर ऑफ ऑल इज वन द ओनली वन ही इज रियलाइज्ड बाय ट्रू गुरुज ग्रेस। सलो द सुप्रीम लॉर्ड प्रिवेलेड इन द बिगनिंग prevails in the middle and will prevail in the end. Nanak says, the sons contemplate the all-prevailing God, who is the destroyer of sins and the Lord of universe. Behold, hear, utter and confirm the true Lord within the Taiwan. Nanak says, the Lord is fully pervasive amongst all. Be thou yet absorbed in his love. Kauri, sing thou the praise of the one immaculate Lord, pervading all creation. The Almighty Lord is the doer and the cause, and whatever he wills, that alone happens. In an instant he makes and unmakes. Without him there is no other. The Lord is pervading. The Lord himself instructs. Understands him. He alone is the pure person. Vaikunth ji ka khalsa, Vaikunth ji ki. Satnam, Satnam, Guru Vahe Guru Ji. Satnam, Satnam, Satnam Ji. Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Ji. Japo Satnam, Satnam. सतनाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे तेरो नाम जी नित नित जपिए तेरो नाम जी श्वास श्वास जपिए तेरो जपो सतनाम सतनाम जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जपो सतनाम 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।